दोस्तों, इस स्त्री ने तो भाई साहब बाहुबली पार्ट टू का घमंड चूर कर दिया। जो काम पठान, जवान, एनिमल, गदर टू नहीं कर पाई, वो भाई स्त्री टू ने दोस्तों कर दिखाई। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका स्त्री टू के दोस्तों हमारे एक और ज़बरदस्त एपिसोड में। आप लोगों को ये बात तो पता लग ही गया होगा कि भाई यहाँ पे सेलिब्रेशन चल रहा है भाई बॉलीवुड के अंदर। बॉलीवुड के अंदर भी किसके घर में? श्रद्धा कपूर के घर में। और श्रद्धा कपूर ने भाई नया घर भी ले लिया, अक्षय कुमार की प्रोडक्शन बन गई है। राजकुमार राव भी भाई साहब नए नए घर में जा रहे हैं। जाए भी क्यों ना भाई, मेहनत बहुत की है। और कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे 500 करोड़ क्लब में ये मूवी एंट्री कर चुकी है ऑफिशियली। तो हम लोग सबसे पहले मैड डॉग मूवीज़ को, अमर कौशिक, दिनेश विजन या फिर राजकुमार राव, अमर, यहाँ पे आप लोग कह सकते हो जितने भी मतलब इंटायर कास्ट, श्रद्धा कपूर, लेडी सुपरस्टार, इन सबको हम लोग यहाँ पे शुभकामनाएं देंगे। और गाइज, एक ऐसा रिकॉर्ड ये मूवी गाइज अनजाने में ही बना के चल गई, जो कि मुझे भी गाइज एक वक्त में लग रहा था कि शायद ये बहुत मुश्किल होगा किसी भी मूवी का तोड़ना ये रिकॉर्ड। क्योंकि पहले हफ्ते तो कोई भी मूवी बहुत अच्छा कर लेती है, दूसरे हफ्ते भी कर लेगी, लेकिन भाई तीसरे हफ्ते, चौथे हफ्ते ना बाहुबली बहुत स्ट्रांग थी गाइज। वो मूवी थी ही ऐसी सुपर मास्टरपीस। बाहुबली पार्ट टू दोस्तों कोई नॉर्मल मास्टरपीस नहीं थी, बहुत गजब मास्टरपीस थी। तो ऐसी मूवीज़ को आप लोग फर्स्ट सेकंड वीक तोड़ सकते हैं उनके रिकॉर्ड्स को, लेकिन थर्ड वीक नहीं। तो भाई थर्ड वीकेंड में यहाँ पे इसने बाहुबली पार्ट टू के घमंड को तोड़ दिया है और आज 19वें दिन इसके लाइफ टाइम नंबर को गाइस ये तोड़ने वाली है। तो बात करेंगे कि दोस्तों किन मूवीज़ ने अपने तीसरे वीकेंड या फिर तीसरे वीक में कितना हासिल किया था और इसने कितना। तो कीजिए लाइक सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि आखिर किस तरीके का रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है, आप लोग बोलोगे कि यार बाहुबली का रिकॉर्ड 511 करोड़ का वो तो तोड़ दिया सबने, पठान ने भी, एनिमल ने नहीं तोड़ा, पठान ने, जवान ने, गदर टू ने, सब ने तोड़ दिया। एनिमल का रिकॉर्ड कुछ 503 करोड़ लाइफ टाइम था गाइस, नेट कलेक्शन 500 करोड़ उसने भी किया था। लेकिन फिर ये कौन से रिकॉर्ड की तुम बात कर रहे हो? तो गाइस मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ थर्ड वीकेंड की। दोस्तों थर्ड वीकेंड में बाहुबली पार्ट टू ने कयामत ढाया था दोस्तों। ऐसे कलेक्शन पठान, जवान, एनिमल, गदर भी नहीं कर पाई थी, गदर पार्ट टू भी। आप लोग बोलोगे कि कैसा कयामत? तो दोस्तों यहाँ पे थर्ड फ्राइडे जो कि इसने 9,40,00,000 रुपए किया है, इसने बताया कितना किया था बाहुबली पार्ट टू ने? 10 करोड़ जगह 10 करोड़ रुपये अपने थर्ड फ्राइडे को किया था। अगर हम लोग थर्ड सैटरडे की बात करें तो 14,75,00,000 रुपये। हालांकि थर्ड सैटरडे स्त्री टू ने कुछ 17,40,00,000 रुपये की कमाई की थी, थर्ड संडे कुछ 17,75,00,000 रुपये, और ये तो भाई 22-23 करोड़ रुपये दोस्तों किया है। और अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पे थर्ड वीकेंड की बात करते हैं कि इस मूवी ने कितना किया था, तो भाई 42,50,00,000 रुपये, जी गाइस 42,50,00,000 रुपये किया था यहाँ पे स्त्री, माफ करना, बाहुबली पार्ट टू ने अपने थर्ड वीकेंड। वीक की बात नहीं हो रही, वीकेंड की बात हो रही है। और इसने कितना किया है मानोगे गाइस? इसने किया है अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ रुपये, हाफ सेंचुरी सिर्फ शुरुआत के 3 दिनों में, वो भी थर्ड वीक के लगा दिए। और ये करने में किसी बॉलीवुड की मूवी को भाई 7 साल लग गए। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं पठान ने कितना किया था, तो भाई साहब कुछ 36 करोड़। जवान ने कितना किया था? कुछ 38 करोड़। यहाँ पे एनिमल, गदर टू, इनकी भी हालत ख़राब ही थी गाइस, लेकिन इसने ऐसा नहीं है कि बस अगल बगल, नहीं भाई बहुत अच्छा खासा, कुछ 7-8 करोड़ एक्स्ट्रा कमा लिया थर्ड वीकेंड में। बात करते हैं कि गाइज यहाँ पे तीसरा जो वीक है वो किस मूवी ने कितना किया था। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग थर्ड वीक की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कमाई दोस्तों अपने थर्ड वीक में किसने की थी, तो भाई बाहुबली पार्ट टू थर्ड वीक का भी दोस्तों शहनशाह था, कुछ 70 करोड़ दोस्तों बाहुबली पार्ट टू ने किए थे। हालांकि गदर टू गाइज इसके बहुत नज़दीक थी, कुछ 63,35,00,000 रुपये। जवान ने भी कुछ 52 करोड़ गाइज किया था पूरे इंटायर थर्ड वीक, और एनिमल ने कुछ 50 करोड़ रुपये। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि दोस्तों अभी जो इस मूवी ने 50 करोड़ किया है ये इसका रिकॉर्ड तोड़ देगी 50 करोड़। फिर हम लोग अब यहाँ पे कंज्यूम करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। 7.5 करोड़ आ जाएगा गाइज यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे को कुछ आ जाएगा, कोई बात नहीं, 6.5 करोड़, 64 करोड़ तो यहीं हो गए। वेडनेसडे को कुछ 5 करोड़, थर्सडे को गाइज कुछ 4 करोड़, यानी कि 73-74-75 करोड़ गाइज का कुछ हो रहा है कुछ भी, लेकिन एक्स्ट्रा दोस्तों ये उससे चली गई है। और बाकी गाइज यहाँ पे इस मूवी ने कुछ आप लोग कह सकते हो कि 503 करोड़ का ऑफिशियल, अगर हम लोग दोस्तों आज की बात करते हैं 7 करोड़ या फिर 7,50,00,000 रुपए, तो भाई ये मूवी जो 510 या 511 करोड़ जो बाहुबली का पार्ट टू का था लाइफ टाइम हिंदी नेट, उसके रिकॉर्ड को गाइज ये चकनाचूर कर चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का सीन हुआ है, इसने बाहुबली पार्ट टू के घमंड को तोड़ दिया है। अब देखते हैं कि जवान की बैंड बचती है या नहीं। जवान जो कि लग रहा था एक वक्त में जब हमने इसका थर्ड ट्यूसडे देखा या फिर जन्माष्टमी वाला दिन देखा, भाई जन्माष्टमी के दिन इतनी कम कमाई, 20 करोड़,
तो लगा कि शायद खेल ख़त्म हो चुका, लोगों ने लगता है अब इसको देखना गाइस कह सकते हैं कि अब ऊब गए वो। लेकिन नहीं भाई, अभी भी जान है इस मूवी में। स्त्री टू स्टिल बेटर परफॉर्मेंस दैन बाहुबली पार्ट टू, तो कुछ भी हो सकता है। मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये जो मूवी है ये 600 करोड़ की शुरुआत करने वाली है। आपका क्या कहना है बताना ज़रूर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।